बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है हम बनाने जा रहे हैं बीफ हांडी पालक गोश्त रेसिपी। स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी बीफ पालक गोश्त रेसिपी। सबसे पहले मैंने हांडी ली है, इसमें मैंने हाफ के जी बीफ का गोश्त ऐड किया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काला ज़ीरा हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद, 3 मेरे पास छोटी इलायची है और लौंग है 5 अदद, 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है ये ले ली मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर ये ऐड कर लिया 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये मैं अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं साबुत, जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, मैं 2 अदद ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 1/2 कप, टमाटर ऐड करूँगी 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी इसको कुक करने के लिए, इसको मिक्स कर लेंगे, 2 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, इसको मिक्स करूँगी, इसके बाद इसको गलने के लिए रख देंगे। देखिए गलना शुरू हो चुका है, ठीक है, और ये कुक हो रहा है, ठीक है, इसको हम गलाएँगे, गलने वाला है, ठीक है, पानी भी खुश्क हो गया, मैं इसमें 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ, साथ ही नमक ऐड कर रहे हैं इसमें हल्दी साइड का। अब इसको हम डाल के मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। देखिए इसमें मैंने भूली है, ठीक है, दही डाल के मैं इसमें पालक ऐड करूँगी, 600 ग्राम पालक है, ऐड करूँगी मसाले पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया ऐड करूँगी इसमें 1/2 कप, अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और सर्व कर लेंगे। रेडी हो गया है, ठीक है, मैं इसको सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ हांडी पालक गोश्त रेसिपी रेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप चपाती और नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की है। और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अगर पसंद आई तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम की इजाज़त दीजिए।